या खराब अंपायरिंग की वजह से पाकिस्तान से जीता भारत? क्या है नो बॉल फ्री हिट के नियम? पाकिस्तानी नो बॉल और फ्री हिट पर उठा रहे हैं सवाल, क्या वाकई पाकिस्तान चीटिंग से हारा? पाकिस्तान जिन सवालों को उठा रहे हैं, अगले 3 मिनट में वीडियो आपके सामने पूरा सच खोल कर रख देगी। आखिरी ओवर में टीम इंडिया को 16 रन बनाने थे। गेंदबाज से लेफ्ट आर्म स्पिनर मोहम्मद नवाज पहली बॉल पर ही हार्दिक पांड्या आउट हो गए। हार्दिक गए तो कार्तिक आए, हिट करने की जगह सिंगल लेकर कोहली को स्ट्राइक दी। ओवर की तीसरी बॉल पर कोहली ने 2 रन लिए, अब 3 बॉल पर 13 रन बनाने थे। नवाज ने कमर की ऊंचाई से ऊपर एक फुल टॉस फेंकी, विराट ने इस पर छक्का जमा दिया। विराट ने अंपायर की ओर देखते हुए नो बॉल का इशारा किया। उनका मानना था कि गेंद कमर की हाइट से ज्यादा ऊंची थी और इसे नो बॉल करार दिया जाना चाहिए। अंपायर भी कोहली से सहमत थे और नो बॉल दे दिया गया। पाकिस्तानी टीम और फैंस का मानना है कि ये गेंद नो बॉल नहीं थी। इस पर नियम क्या कहता है, अब जरा ये जान लेते हैं। मामला थर्ड अंपायर के पास क्यों रेफर नहीं किया गया? दरअसल वसीम अकरम, वकार यूनिस जैसे पाकिस्तान के पूर्व दिग्गजों ने टीवी शो के दौरान कहा कि जब टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी तो ये जानने के लिए कि नो बॉल है या नहीं, मामला थर्ड अंपायर के पास रेफर किया जाना चाहिए था। दरअसल अकरम और वकार ने मॉडर्न क्रिकेट के नियम ठीक से नहीं पढ़े। नियम के मुताबिक हाई फुल टॉस नो बॉल है या नहीं, इसे तभी अंपायर के पास रेफर किया जा सकता है जब बल्लेबाज उस गेंद पर आउट हुआ हो। इस मामले में ऐसा नहीं हुआ था, कोहली आउट नहीं बल्कि उन्होंने तो छक्का जमाया था। हाँ, भविष्य में इस नियम को जरूर बदला जा सकता है, लेकिन फिलहाल ग्राउंड अंपायर के पास इसकी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी। नो बॉल पर फैसला उन्हें लेना था, जो उन्होंने लिया भी। अब दूसरा विवाद, बोल्ड होने पर गेंद डेड क्यों नहीं हुई? नो बॉल के बाद अगली गेंद फ्री हिट थी, इस पर विराट बोल्ड हो गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कार्तिक के साथ 3 बाय रन दौड़ दिए। पाकिस्तानी फैंस का कहना है कि इसे डेड बॉल घोषित किया जाना चाहिए था, इस पर बाय रन कैसे बन गए? अब जरा देखिए कि नियम क्या कहता है। नियम कहता है कि अगर किसी सामान्य गेंद पर कोई बल्लेबाज बोल्ड होता है तो गेंद विकेट पर लगते ही खत्म हो जाती है, यानी डेड हो जाती है। गेंद नो बॉल हो तो भी विकेट पर लगने बाद डेड हो जाती है और उस पर रन नहीं भागे जा सकते। लेकिन विराट और कार्तिक ने जिस गेंद पर 3 रन भागे हैं, वो ना तो सामान्य गेंद थी और ना ही कोई नो बॉल, वो नो बॉल के बाद फ्री हिट गेंद थी। इसके बारे में ICC का प्लेइंग कंडीशन नियम क्या कहता है, जरा उस पर गौर कीजिए। 21.18 नियम कहता है कि फ्री हिट पर बल्लेबाज बोल्ड होता भी है तो भी गेंद विकेट पर लगने के बाद डेड नहीं होती, इस पर रन भागे जा सकते हैं। अगर गेंद बल्ले से लगने के बाद विकेट पर लगे तो रन बल्लेबाज के खाते में जाते हैं। अगर बल्लेबाज बीट हुआ हो और गेंद विकेट पर लगे तो बाय रन दिए जाते हैं। इस मामले में ऐसा ही हुआ था, गेंद विराट के बल्ले से तो नहीं लगी थी, इसलिए 3 रन बाय के रूप में दिए गए। इस तरह ये साफ हो जाता है कि जो क्रिकेटर या फैंस इन दोनों मामलों में ICC की आलोचना कर रहे हैं, उसे क्रिकेट के मॉडर्न नियम्स का नहीं पता। पाकिस्तान के साथ कोई चीटिंग नहीं हुई है और टीम इंडिया इस मुकाबले को फेयर तरीके से जीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस स्पोर्ट्स।